अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमानिया, ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। और आज हम अपनी सेकंड सीरीज करेंगे रिश्ता, जो हमने सीरीज की थी। पहले हमने बात की थी कि एक लड़की के रिश्ते के अंदर, और दिस वी टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिजेस, कि अगर आप एक अरेंज मैरिज के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अगर हो सके तो अपनी पसंद की शादी कर लें, लेकिन अगर आपको एक अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है और आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो पहले हमने किया था कि लड़की की तरफ क्या देखना चाहिए। इस दफा हम करेंगे, बहुत लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अब आप बात करें कि लड़के वालों को क्या देखना चाहिए। हाँ, अच्छा। और तमानी, देखो, जब भी हम ये कोई भी वीडियो करते हैं, हम उसके शुरू में कहते हैं कि हमारी बेसिक अजम्पशन होती है, ये होती है कि हम बहुत ही बेसलाइन ना डिसेंट शरीफ लोगों से बात कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में भी हमारी अजम्पशन ये है कि जब आप अपने किसी भाई या बेटे की शादी करने जा रहे हैं, तो आपके उस शादी के पीछे कोई ये नहीं है मकसद कि लड़की का जो है वो इकलौती हो तो उसके अब्बा की जायदाद हमारे पास आ जाएगी, या किसी पॉलिटिकल फैमिली में हमारे कनेक्शन बन जाएंगे, या इस किस्म की कोई नहीं है। हम बेसलाइन डिसेंट मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, वो इनफैक्ट आर लुकिंग कि वो अपनी शादी करें अपने जैसे लोगों में, तो हैप्पीली फॉर एवर ढूंढें, और क्या कहते हैं, हम फ्रॉड या लोन की बातें नहीं करें, ना हम उनको आइडियाज दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि लड़की की वीडियो बनाना आसान थी, बिकॉज लड़की के केस में ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है अभी भी घर वालों का फैसला बहुत रोल प्ले करता है लड़के के चक्कर में। और ये मुझे बहुत बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान सोसाइटी से, कि लड़के के रिश्ते के लिए हर जगह उसकी माँ और बहनें जा रही होती हैं, और राउंड वन में वो बहुत सी लड़कियों को बहुत से ऐसे फैक्टर्स पे एलिमिनेट कर देती हैं जो लड़के को पता ही नहीं चलती, राइट? और बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर वो बेचारा लड़का उस लड़की से मिला हो तो बात करके मे बी दे वुड हैव मेंटली क्लिक्ड, या उस लड़के को कोई चीज पसंद आ जाती, मगर वो लड़की जो है उस लड़के के मिलने की नौबत ही नहीं आती, बिकॉज माँ बहन को लगता है कि भाई या तो ये इनका घर अच्छा नहीं है, या इसकी माँ बहुत तेज है, लड़की बहुत तेज है, ये कद छोटा है, इसका रंग काला है, ये वो फलाना ढमाका। सबसे पहला क्राइटेरिया तो माँ, जो तुम, ये आई थिंक दिस इज सच अ गुड पॉइंट, कि सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है वो उनको ये होता है कि लड़की हसीन होनी चाहिए, चंदे महताब, चंदे आफ्ताब, लाइक यू नो, कोई क्या हूर परी आ जाए, तो बिल्कुल लाइक दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट क्राइटेरिया के। और ये बाय द वे, अब तो हम इस वीडियो में अज्यूम करें कि आप ट्रूली जिस भी आदमी के लिए, अपने घर के मेंबर के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, आप चूली उसकी हैप्पीनेस चाहती हैं, तो सबसे पहले तो ये ये उससे पूछ लें कि सुनो, तुम्हें कोई पसंद है, डू यू लाइक समबडी एट वर्क, तुम्हें कोई खानदान में लड़की पसंद है, तुम्हें कोई कॉलेज में लड़की पसंद थी, तुम्हें कोई मोहल्ले में लड़की पसंद है। तो अगर वो किसी लड़की का नाम लेता है तो फौरन इनसिक्योर ना हो जाए कि शादी से पहले इसको पसंद करता है, अगर ये शादी करके आ गई तो हमारा लड़का हमारा रहेगा ही नहीं, दिस एंड दैट। नो, पहले उससे पूछ लें, अगर वाकई जेन्युइनली वो लड़का जो भी है, या आपका बेटा या आपका भाई या आपका देवर या आपका कजन है, जो भी है जिसके लिए आप रिश्ता ढूंढिए, अगर वो लड़का जेन्युइनली कहता है कि नो आई नीड हेल्प, कि आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे या इंट्रोड्यूस मी टू समवन, तो आई थिंक देन दीज पॉइंट्स वुड हेल्प यू। अगर कोई लड़का कहता है मुझे कोई लड़की पसंद है, तो ये अब ये वो जमाना निकल गया, क्या फिल्मों की तरह फौरन बोलेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी तुम्हारी शादी हो जाए, हमारे खानदान में तो हो ही नहीं सकता ये वो, हम लोगों को क्या बताएंगे कि हाँ इसने अपनी पसंद की शादी कर ली, वो इन सब बातों को भूल जाएं। अब तो दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि लोग क्या कहेंगे इसको तो बिल्कुल ही जाने देना चाहिए। हाँ, तो मैं सबसे पहले मैंने बहुत सोचा कि लड़के की जो है वो रिश्ता लेने जाए तो क्या कहते हैं, क्या क्या देखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में जो नंबर वन पॉइंट है वो है लड़की की उम्र। खुदा के लिए अपने 30-30 साल के मर्दों की 19-19 साल की लड़कियों से शादी करना बंद कर दें, जो ये मेंटेलिटी है कि हम एक छोटी लड़की लेके आएंगे तो वो हमारे खानदान के तौर तरीके में ढल जाएगी, लड़की की उम्र कम हो तो उससे कॉम्प्रोमाइज करने में आसानी होती है, वो हमारी जैसी हो जाएगी, उसको हम दबा के रखेंगे, ये सब किस्म की बातें छोड़ दें। यकीन करें कि अब दुनिया बहुत 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 बदल चुकी है, अब यहाँ के जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, और जो अब लोगों की लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट्स हैं, हर आदमी ये चाहता है कि उसको लाइफ पार्टनर मिले, ठीक है, इंटरनेट ने और दुनिया बहुत छोटी कर दी है, अब हर आदमी ये चाहता है कि उसके पास अपना घर हो, या उसने कहीं अगर पाकिस्तान में रहता है तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हो, उसकी बीवी जो है वो गाड़ी चलाती हो,
जरूरत पड़ने पे वो काम करे और वो बहुत प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि अब ये कल्चर है कि लोग डेटिंग करते हैं, लाइक कपल डेट्स होती हैं, क्या वो हम दो तीन कपल्स मिलके मूवी देखने जा रहे हैं, या हम जिस तरह हम लोग थे, हम लोग VRBO जा रहे हैं, या हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, या फैमिली पिकनिक हो रही है, ठीक है, या इसके चलो स्केटिंग करने चलते हैं, कोई भी, अगर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अब ये बहुत कल्चर है कि पीपल आर फाइंडिंग कपल फ्रेंड्स, दे आर लुकिंग फॉर फैमिली फ्रेंड्स जिनमें बच्चों की एज ग्रुप सिमिलर हो. हर आदमी ये चाहता है कि उसकी बीवी बहुत प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि जब वो दूसरों के घर जाता है वो बहुत सजे हुए घर देखता है, वो बहुत फैंसी लगी हुई मेज़ें देखता है, वो एक तौर तरीका देखता है कि लोग किस तरह औरतें अपने आप को लड़कियाँ हैंडल करती हैं, ब्लो ड्राई करके तैयार होती हैं, मेज़ लगी होती है, पार्टियाँ थ्रो करती हैं. कोई आदमी शरीफ है तो वो शरीफ है, वो अंधा नहीं है, उसको दिखता सब है. तो अपने भाई पे ये जुल्म ना करें कि अपनी खाला की किसी छोटी लड़की से जो है ब्याह दें कि हमारे ख़ानदान में ये चलेगी और हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेगी. अच्छा गुमान, जिस भी लड़की से शादी करें उसे अच्छा गुमान करें कि हम इसके साथ अच्छा करेंगे, ये भी हमारे साथ अच्छा करेगी, तो ये हम मिलजुल के रहेंगे. क्यों? क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, खुदा ना खास्ता, वी ऑलवेज प्लान फॉर गुड, राइट. तो ये तो कोई सोचता ही नहीं है कि खुदा ना खास्ता दोनों पार्टनर्स में किसी के एक को एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाएगी, किसी का वो हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी. वी ऑलवेज थिंक दीज आर थिंग्स दैट हैपन टू अदर पीपल, दे विल नॉट हैपन टू अस, बट सैडली दे डू. मगर मुझे लगता है कि अब तो जो लाइफस्टाइल की तरफ पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं उसमें अच्छे कामों के लिए इतना ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल बनाने के लिए और बच्चों को एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए जो है वो फैमिलीज टू इनकम हो और औरत का कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक पार्टनर होना जो है वो बहुत जरूरी है. जरूरी ये इंटेंशन नहीं होती आपकी कि आपने लड़की से नौकरी करवानी है, इंटेंशन ये होती है कि अगर जरूरत पड़े, कल को इसने कनाडा की इमिग्रेशन फाइल करनी है तो ये 19 साल की लड़की को क्या पॉइंट्स मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के उसमें क्या मिलेंगे, जितनी लड़की पढ़ी लिखी होगी उसको लैंग्वेज आती होगी, उसकी प्रोफिशिएंसी होगी, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होगी. जब आप कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इमिग्रेट करेंगे शुरू के 3-4 साल इतने टफ होते हैं, दोनों लोग मिलके मियां बीवी नौकरी करते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं. ये नहीं हो कि आप किसी छोटी लड़की को एज, लड़की के एज कम होगी तो ऑफकोर्स उसको कोई एक्सपोजर नहीं, वो पढ़ी लिखी नहीं है. 19 साल की लड़की क्या होती है, अंडरग्रेड भी नहीं होती, 20 साल की लड़की उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, वो इंटर FSC पास होती है. अब वो उसको आप कहीं ले जाएंगे, वो चार लोगों में उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसे सीखा नहीं, उसको एक्सपोजर नहीं है, वो ग्रूम नहीं हुई, वो अपने बच्चों के स्कूल में जाके चार गोरों से बात करते हुए हिचकिचाएगी, वो अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी थ्रो करते हुए हिचकिचाएगी, वो लोगों गाड़ी चलाते हुए डरेगी, होगा क्या, सारा बर्डन आपके अपने बेटे या भाई पे आएगा. छोटी लड़की जो 23-24 साल की लड़कियां होती है ना, वो कोई इतनी बूढ़ी अम्माएं नहीं होती कि उनसे शादी करके आपके बेटे का नुकसान हो जाए, वो बच्चे नहीं पैदा कर पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बल्कि बहुत जरूरी है कि आपके बाद देखें कि लड़की पढ़ी लिखी हो और उसने कम से कम 1 साल नौकरी की हो, उसमें ये लाइफ स्किल्स हो कि उसे आप बैंक उसे चेक साइन करना आता हो, उसे पेपर पढ़ना आता हो, उसको फॉर्म फिल करना आता हो. ये आप किसी भी इंसान में अब ह्यूमन लाइफ स्किल्स जो ढूंढ रही है, तो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड अ गुड एज. 18-22 साल की उम्र की लड़कियां जो है उन बेचारियों ने पाकिस्तान में इतना शेल्टर करके रखे होते हैं, उन्होंने कोई रियल लाइफ बाहर की नहीं देखी होती. तो ऐसी लड़कियों को अगर आप ले जाएंगे तो उनके अपने ही आपके भाई या बेटे के साथ जो है वो लाइबिलिटी बनेगी, उसका सपोर्टिंग पार्टनर कैसे बनेगी. तो एज के लिए जो मुझे सबसे अंदाजा हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे और जाफर में 2 साल का फर्क है, आई थिंक तुम्हें और अदील में भी शायद 1 साल का. तो आप अपने भाई की जब देखें, यू नो दिस वी टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज, तो ये ना सोचें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई 30-31 का है तो आप उसके लिए कोई 30-year-old, 31-year-old, इवन उससे 1 साल बड़ी, हमारे कई फ्रेंड्स हैं जिनके अंदर लड़की लड़के से 1-2 साल बड़ी है, दैट इज टोटली फाइन. जो एक हमारे यहाँ के लोगों के जहन में अजम्पशन होती है कि 2 अजम्पशन होती है सदा बड़ी उम्र या इक्वल उम्र की लड़के की लड़की लेने से, एक तो ये होती है कि आगे बच्चों में प्रॉब्लम होगी, बट यू नो डोंट वरी अबाउट इट, अब साइंस बहुत तरक्की कर गई है, अब लोगों की एवरेज एज 30 इयर्स की उम्र में लड़की पहली दफा माँ बन रही है, सो यू नो दैट इज नॉट एन इशू. अगर अल्लाह ना करे कोई इशू आना होगा तो यंग एज में भी आ सकता है. दूसरी बात, लोगों को ये डर होता है कि लड़की बहुत पक्की होगी, एक्चुअली इट इज द ऑपोजिट. ये जाफर की चची ने मुझे याद है बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां, जैसे सदत ने बात की, जो नौकरी करके शादी करती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शादी जो है आप करने से पहले उससे जो आपका
एक फैंटेसी है ना वो सब खत्म हो जाए. तो आई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था जो लड़कियां नौकरी करके शादी करती है ना वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि उन्होंने एक तो बहुत जिंदगी को देखा हुआ होता है, उसके बाद उनके लिए ये चॉइस करना, फॉर एग्जांपल आई जस्ट टॉक अबाउट माय सेल्फ, कि मैं कॉर्पोरेट जॉब करती थी इसलिए उसके बाद मेरे जब बच्चे हुए तो मेरे लिए ये डिसीजन करना बहुत आसान था कि आई कैन नॉट गो बैक टू दैट लाइफ. एक तो मैंने वो एक्सपीरियंस की भी थी, इट हैड बीन आउट ऑफ माई सिस्टम. सो बट कई दफा जब कोई यंग लड़की होती है तो उसके जो बहुत अरमान होते हैं वो दिल में ही रह जाते हैं, फिर बाद में हो सकता है कि शादी के पहले एक दो साल तीन साल पांच साल वो बहुत कॉम्प्रोमाइज करे, बट बाद में उसको ये होगा कि मैंने तो अपनी जिंदगी नहीं जी, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया. तो किसी को भी आपने इस अजम्पशन से एक यंग लड़की से अपने भाई की शादी की कि अडेप्ट कर जाएगी, लेकिन यू हैव टू थिंक ऑफ दैट होल पर्सन ऑल्सो, राइट, कि उसकी भी जिंदगी में यू नो मे बी शी वॉन्टेड टू वर्क, वो करना चाहती, फिर आप कहेंगे जी हमने तो अपने भाई की सेटल नहीं हो रही. तो अगर आप किसी एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसने जॉब की भी होगी, एक तो वो आपके भाई को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पार्टनर होगी आपके भाई के लिए. आप ये ना समझे कि वो पक्की होगी जो एक हमारे समझा जाता है, आप ये सोचें कि वो एक समझदार लड़की होगी. और तो जो एज है उसके अंदर हम पहले सजेस्ट करेंगे कि आप अपने भाई की एज से एज क्लोज एज पॉसिबल, भाई या बेटी की एज से एज क्लोज एज पॉसिबल लड़की लेकर. और तुमने यकीन करो मैंने ये इतना रियल लाइफ अपने खानदान में और अपने फ्रेंड्स में जेन्युइनली ऑब्जर्व किया है, लाइक ओल्डर जनरेशन में भी, हमारी अम्मी लोगों की दादी नानी लोगों की एज में भी और हमारी जनरेशन में भी, जिन 30-32 साल के लड़कों की 18 या 20 साल की लड़कियों से शादी होती है ना, दे हैव नथिंग इन कॉमन. देर इज नाउ आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड सो मेनी जनरेशन, I am convinced there is a template. The जो आदमी बेचारा होता है ना, I feel so sorry for him because मुझे लगता है वो आदमी इतना lonely होते हैं क्योंकि उनके जहन में sadly ये बात बैठ गई होती है that they are unable to share anything with their wives. उनको लगता है कि इसको क्या समझ आएगी. वो उसको ना घर में अपनी बीवी को आके ना ऑफिस की टेंशन बताते हैं, ना ऑफिस की पॉलिटिक्स बताते हैं, ना अपनी जो माली टेंशन है या जो भी प्रॉब्लम्स है फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कुछ शेयर नहीं करते. और बहुत दफ़ा औरतों को इतना बड़ा धचका लगता है, क्या ये फलां जगह पैसे लगाए हुए थे, क्या ये अपनी घर भाई के साथ बात कर रहे थे कि इस शहर में घर बना लें, क्या ये बात कर रहे थे, दे हैव नो आइडिया. लड़कियां सिर्फ घर और बच्चे और किचन देखती हैं और सास नंदों की खिदमत करती हैं, और जो मर्द होते हैं वो टिपिकली मर्दों की तरह आते हैं इन द एक्सपेक्ट कि भाई इसकी जेडी ये है कि ये घर साफ मिले, बच्चे मुंह धुले हुए मिले और खाना पका मिले, और वो बैठ के जो है वो जियो न्यूज और ARY देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूट्यूब करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं. दे आर नॉट फ्रेंड्स. ओके, फ्रेंडशिप के लिए मियां बीवी में फ्रेंडशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं हर दफ़ा कहती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको किसी से लव हो, बट रिस्पेक्ट आपके हाथ में. फ्रेंडशिप डेवलप करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू कि जिंदगी के उतार चढ़ाव जीने के लिए. इफ़ यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट एंड इफ यू आर अनएबल टू शेयर, इफ यू आर अनएबल टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, मियाँ बीवी में कभी भी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती, एंड दैट इज अ वेरी वेरी सैड वे टू लिव योर लाइफ. This we are saying, ये हम उन cases में कह रहे हैं कि यहाँ आप अपने भाई या बेटे की एक अरेंज मैरिज करें, because that is a reality of life. अगर आप एक western concept में भी देखें, people are finding it harder than ever to find partners, because अब जो हमारी जो life है, एक तो COVID की वजह से लोग मिल नहीं रहे थे, फिर जो life है वो बड़ी एक कहाँ मिलेंगे आप लोगों से, यू नो, या तो चलो तो आप कॉलेज में मिलने या ऑफिस में मिलने, बट अब कई दफ़ा वो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं. सो अगर आपका भाई या बेटा आपके पास आ रहा है, यू नो, दे से कि यू नो आई नीड हेल्प इन फाइंडिंग अ पार्टनर, तो ये हम उन क्राइटेरियाज की बात करें. और फिर आप यू नो आप उनको एक फैसिलिटेटिंग रोल दें, आप कहें कि अब आप आपस में भी बात करो. बट वही वाली जो सदर के बहुत अच्छा पॉइंट था कि कई दफ़ा कुछ जो लड़कियां जिन क्राइटेरियाज के ऊपर आप फिल्टर आउट कर देते हैं, यू डोंट इवन थिंक अबाउट देम, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, यू नो. एंड मैं कभी भी, मैं और सदर, हम अरेंज्ड मैरिजेस को गलत नहीं कहते, क्योंकि ये एक सिस्टम है, यू नो, एक तरीका है जो एक हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, बट इट ऑल्सो नीड्स टू अडेप्ट. जैसे हर जमाने के साथ साथ चीज़ें अडेप्ट होती है ना, वो जमाना नहीं है अरेंज मैरिज का कि लड़का लड़की की शादी की रात पहली रात ही मुलाकात हो रही है. तो आप, इट्स मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन का तरीका कि आपने एक यू नो फैमिली देखी. तो हमने पहले क्राइटेरिया एज की बात की. सेकेंड क्राइटेरिया सदर जो मैं कहूँगी कि लड़की, अगर आप एक, क्योंकि मैं इसकी बात कर सकती हूँ कि मैंने अपने बहुत देखा, यू नो, फैमिली में जब लड़कों की जिसकी हुई, कजन्स की हुई, और मैं बात कर सकती हूँ कि कहाँ सक्सेसफुल हुई थी. तो आप लड़की की अम्मा को देखें, और लड़की की अम्मा जो है ना, लड़की हमेशा इवेंचुअली अपनी अम्मा जैसी हो जाएगी, ठीक है ना. तो जो लड़के के लिए कहते हैं ना, लड़के के बाप को देखो, उसके दादा को देखो, तो लड़की के लिए उसकी माँ को देखो, उसकी नानी को देखो.
हर लड़की जो है ना इवेंचुअली वो अपनी माँ जैसी हो जाएगी. तो आपने उसकी माँ को देखे, उसकी नानी को देखे. एक जो चीज़ इसको ऑब्जर्व करें कि उनके घर में बैलेंस कितना है. ये हम एक चीज़ अपने भाई के रिश्ते के वक्त हम लोग हमेशा देखते थे कि अगर आपको लग रहा है कि जो लड़की की अम्मा है वो सिर्फ अपनी ही फैमिली की बात कर रही हैं, तो ये आपके लिए एक इंडिकेटर है कि लड़की ने इतनी बैलेंस्ड अप्रोच फैमिली देखी. तो अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप देखें कि जब आप जब यू नो इनिशियली बातचीत हो रही है तो क्या दोनों साइड्स ऑफ द फैमिली प्रेजेंट हैं. ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एक इंडिकेटर हो सकता है यू नो टू सी के कैसी ये फैमिली है. तो और एक और जो चीज़ है बहुत मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई थिंक पीयर्स बहुत मैटर करते हैं. मुझे याद है मेरे कज़न की शादी होनी थी, मेरी फूफो रिश्ता देख रही थी, तो मैं एक जगह गई और मैं एक लड़की से ना बड़ी अच्छी गप्पे मार कर आई और मैंने आकर अपनी फूफो को बताया. मैंने कहा वो आप आजकल भाई के लिए लड़की देख रहे हैं, मैंने उस लड़की से मिली फना और बहुत अच्छी मेरी उससे गपशप हुई. तो मेरी फूफो ने कहा अच्छा तुम्हें मज़ा आया उससे बात करके. मैंने कहा हाँ मुझे बहुत मज़ा आया. मेरी फूफो उनकी फैमिली को ऑलरेडी जानती थी नो मोर और लेस एंड दैट्स इट. माय फूफो जस्ट अरेंज्ड कि मेरी फूफो कभी उस लड़की को देखने नहीं गई, जैसे देखने के लिए शी जस्ट सेंट हर सन टू मीट हर, वो भी मेरी अम्मी के साथ, एंड वो हो गया. एंड देन माय फूफो जस्ट वेंट टू टेक द रिश्ता. Because I feel like her criteria, mashallah, it's a very successful marriage. Because I think उनका criteria बहुत अच्छा था कि खानदान को वो जानती थी. फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें मजा आया उसे गप्पे मार के. मैंने कहा हाँ बड़ी compatibility थी. तो ये बहुत important होता है कि जिस बंदे से आप वो connection होता है. और ये आप notice करेंगे कि कुछ लोगों से आपका connection हो जाता है और कुछ से नहीं होता. जैसे मैं अपनी भाभी की बात करूंगी, जब हम पहली दफा उससे मिलने गए तो गाड़ी में बैठती मैंने और मेरी बहन ने अम्मी को कहा कि दिस इज इट, यू नो बहुत अच्छी लड़की है. क्योंकि आपको किसी से कॉन्वर्सेशन फ्लोस, अब ये कोई ऐसी बात है जिसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको मैं इस तरह डिस्क्राइब कर देती हूँ. ये मैं जाफर की चची की एग्जांपल दूंगी कि वो कहती है कि अगर कहीं अगर या मगर आ जाए ना तो बस अब रहने दो, स्टेप बैक. ठीक है, तो अगर आपको किसी से बात करते हुए फ्लो महसूस हो रहा है, यू नो यू फील लाइक दिस पर्सन इज रिलेटेबल, दिस इज ईजी, दैट्स अ गो साइन फॉर यू, यू नो गो फॉर इट. पॉजिटिव सोचें, आगे उस कॉन्वर्सेशन को लेके जाएं. तो ये कुछ होती है कि मुझे नहीं था कि आप अपने आप से वो नहीं था थोड़ी सी जो क्या कहते हैं कि फ्लो करता है. हमने खुद देखा था किसी से बात करते हुए आपको फ्लो महसूस होता है और कुछ से नहीं होता, यू नो. सो जस्ट बी, अगर आपको लगे. और यहाँ मैं अगर इफ यू विल नोटिस कि मैं ना लड़की की शक्ल की बात कर रही हूँ, मैं ना लड़की की रंग की बात कर रही हूँ, मैं ना लड़की की हाइट की बात कर रही हूँ, दीज थिंग्स डोंट मैटर एट ऑल. What matters is mental compatibility. आप जिस लड़के के लिए रिश्ता देख रहे हैं, you know, अब आपका बड़ा important role है, you know, you are the person who's arranging it. आप उस लड़के को जानते हैं, अब आपको पता है कि, you know, this is something which can go. But ये मैं उनके रिश्तों की बात कर रही हूँ जो आज से कुछ 10-15 साल पहले हुए हैं. आजकल जमाना और बदल गया है. आप highly encourage करें इन सब criteria को देखने के बाद कि लड़का लड़की आपस के अंदर बात करें. आपका रोल सिर्फ इंट्रोडक्शन का होना चाहिए. उसके बाद आई फील लाइक सदफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़का लड़की खुद बात करें और आप भी लड़के को कोच करें. मैं हमेशा जो लड़के होते हैं आई थिंक उनको बहुत कोच करने की जरूरत है कि लड़के भी यू नो लाइक दे कैन गेट अट्रैक्टेड को ये लड़की बड़ी हसीना है. अगर आपकी किसी से मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है ना तो ये शक्ल सूरत ये सब चीजें रह जाती. क्या ख्याल है सदफ, आई थिंक मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है. और तुम्हारी आई थिंक ये जो तुमने बात की बहुत सही बात है क्योंकि ना हमने ये बात की कि लड़की का रंग गोरा या काला, उसका कद छोटा है या लंबा है, या उसके बाल लंबे हैं या नहीं है, और या कि वो उसके अम्मा अब्बा जो हैं वो किस मोहल्ले में रहते हैं, वो किराए के घर में रहते हैं, उनका अपना मकान है. इस किस्म की सुपरफिशियल बातों को जाने दें. और हमने लड़की वाली वीडियो में भी जो तुमने बात की कि लड़की की माँ को देखें, इससे बहुत बहुत जो है ना सेंस बनता है इस बात में. क्योंकि हमने लड़की वाले रिश्ते में भी पहले ये बात की थी कि फौरन जो है वो जल्दी मत करें. जैसे हमने कहा था कि जल्दी मतलब सिर्फ इंकार ही हो सकता है, राइट? जल्दी मत करें. हर लड़के लड़की को जो है ना वो क्या कहते हैं आई थिंक मंगनी या बात तय करने के ना कुछ ग्रेस पीरियड देना चाहिए, जिसमें बहुत इनकरेज करना चाहिए कि वो आपस में फोन पे बात करें. फोन पे बात करना या एक दूसरे से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि तवानिया अगर मैं ये सोचूँ ना, मैं अपनी मैरिड लाइफ देखूं या मैं अपनी ये सोचूं कि मैं मेरे बच्चों को कैसा लाइफ पार्टनर मिले, मेरे बेटों को, तो मेरे जहन में बस बार बार ये बात आती है कि उस लड़की में ना बहुत अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए. बहुत अडेप्टेबिलिटी इसलिए होनी चाहिए
कि जिंदगी का कुछ नहीं पता होता, मगर सैडली ये एक ऐसा फीचर है जो आप किसी से मिलके बात करके इतना जांच नहीं सकते। ये बात सिर्फ जो है ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करके बात करने आ सकता है। तो अगर आपको ये बात पता हो कि भाई लड़की के पेरेंट्स जो है वो पहले किसी और घर में रहते थे, वो किसी और स्कूल में जाती थी, फिर उनकी कहीं ट्रांसफर हो गया, फिर उन्होंने घर बदला गया, उनके ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, इस किस्म के किसी की लाइफ स्टोरी आपको पता हो ना, तो आपको पता होता है इसने जिंदगी भर में कितने लाइफ लेसन सीखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक अबाउट माई सेल्फ, दिस कंट्री जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, दिस इज माई फोर्थ प्लेस कॉलिंग होम, ठीक है। आई हैव मूव वेयर माई हस्बैंड हैज मूव, एंड फॉर एंड जितनी मेरे मियाँ ने पढ़ाइयाँ की हैं शादी के बाद, और जिस तरीके से हमने एक पेंडेमिक देखा है, हमने दो रिसेशन, मैंने दो रिसेशन देखे हैं अपनी शादी में, और हमने काउंटलेस जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं जिनका प्रॉबली पब्लिक के फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं है, राइट। अगर मुझ में अडेप्टेबिलिटी नहीं होती या मेरे मियाँ में अडेप्टेबिलिटी नहीं होती ना, हमारी शादी नहीं चलनी थी, और कोई भी जो हालात हमने देखे कोई भी शादी नहीं चलनी होती थी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास, ये बात याद रखें कि ना हालात बहुत बदलते हैं। एक वक्त था जब हमारी शादी हुई थी कि हमें लगता था कि आइकिया का हम, जब हम आइकिया गए थे, मुझे याद है जब हमारी शादी हुई थी सबसे पहली, तो हमने हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर खरीदने का क्राइटेरिया ये था कि कौन सी चीज सबसे सस्ती है आइकिया में, जो चीपेस्ट बेड होगा, जो चीपेस्ट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब नाउ दैट वी लुक बैक, ऑफ कोर्स वक्त के साथ हालात बदलते हैं, आप बदलते हैं, आप तरक्की करते हैं, राइट। अब नाउ वी अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन अफोर्ड व्हाटएवर वी वांट, एंड वी लुक बैक एट दोस पिक्चर्स एंड हम कहते हैं अरे रिमेंबर ये अगली चीज जो हमारे पास थी, उसका भी अपना मजा है। तो जिंदगी बहुत बदलती है, हालात बहुत बदलते हैं, और गारंटी सिर्फ ये है कि अब जो पैदा हुआ है वो आजमाया जाएगा। इसके लिए जो है वो मर्दों को और औरतों दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा शदीद मेंटली स्ट्रांग पार्टनर चाहिए होता है। मैंने अपने ख़ानदान में और अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि जो लड़कियां बहुत ही शदीद पापा की प्रिंसेस और लाडलियां होती हैं ना, शुरू में जब मंगनी का और जो इन्फैचुएशन का फेज होता है ना, उस वक्त आपको बहुत मजा आता है कि अरे वाह लड़का सोचता है कितनी अदाएं हैं, ओ माय गॉड कितनी स्टाइलिश है, ओ माय गॉड हाई मेंटेनेंस, हाई बिल्कुल मॉडल लगती है। शादी के बाद वही शदीद कोफ का बायस पड़ती हैं और वो ऐसा गले पड़ती हैं, वो सिर्फ लड़ाइयों का बायस होती हैं। इसका ये मतलब हर किसी नहीं है कि हम लड़कियों को ये नहीं कह रहे कि तुम बिल्कुल ही जो है मैया बन के बैठ जाओ और सेल्फ केयर पे बिलीव ना करो या अपने आप को तवज्जो ना दो, ना ही हम लड़कों को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी जो है उसका घर में कोई रोल नहीं है। देयर हैज टू बी ऑफ कोर्स अ बैलेंस, मगर जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी में इतनी कुछ चीजों में रिजिडिटी देखी है जो फिर लोग आठ आठ आंसू रोए। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लड़कों ने बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज छोड़ी हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बीवियां जो हैं वो उस शहर से मूव आउट होने को तैयार नहीं है जहां उनके माँ बाप रहते हैं, ठीक है। या बहुत से लोग जो हैं उनके घर में बहुत 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 मसले हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बेगम जो हैं उन्होंने जो सोशल सर्कल बनाया हुआ है उसमें टू कीप अप एक सर्टन पैसा का इकोनॉमिक क्लास चाहिए जो उस वक्त आपकी नहीं है। वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है, जब बुरा वक्त होता है तो उसकी बेहतरीन बात ये होती है कि आपको पता होता है कि अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता, ठीक है। तो आदमी को जो है ना बहुत ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। अक्सर मैं ये बात करती हूँ कि बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि इसीलिए मैंने लड़की की एज वाला पॉइंट नंबर वन बोला, क्योंकि जब आप किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे ना अपने भाई की या अपने बेटे की जिसने जॉब की होगी, तो उसको ये पता होगा, अंदाज़ा होगा कि पैसा कमाना कितना कितना मुश्किल काम है। मैंने जो है वो शादी से पहले जॉब की है, मैंने उस वक्त जॉब की है जब मेरी शादी के बाद जब मेरे बच्चे नहीं थे, मैंने पार्ट टाइम बच्चों के साथ जॉब की और मैंने पार्ट टाइम फुल टाइम अपने दोनों बच्चों के साथ जॉब की है। एंड यकीन करें विद ऑल माय एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट व्हाइल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अ फुल टाइम मॉम, इट इज स्टिल ईजियर देन शोइंग अप एट वर्क एवरी सिंगल डे, जहाँ पॉलिटिक्स हो, जहाँ लोग पागल हो, जहाँ पे मौसम ख़राब हो या जहाँ पे आपकी डेडलाइंस हो, जहाँ नौकरी ख़त्म होने का खतरा आपके सर पे टल रहा हो। मर्दों की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, पैसा कमाना आसान नहीं है, बिकॉज आई ऑफन थिंक कि अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पैसा सिर्फ मुझे कमाना है और ये घर चलाना है, और अगर मैं कमाना छोड़ दूँ तो तीन महीने बाद किराया कहाँ से देंगे और रोटी कहाँ से खाएंगे और स्कूल की फीस कैसे जाएगी, और ये सारी उम्र है, इट्स देयर इज नो ब्रेक कमिंग कि आपने ग्रेजुएट करके कमाना शुरू किया और आप रिटायरमेंट की उम्र तक मरते दम तक कमाते रहेंगे तो शायद मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि बहुत शदीद जिम्मेदारी का काम है। जो इसीलिए छोटी उम्र की लड़कियां ये बात नहीं समझ पाती। जब मैं जॉब करती थी और मुझे अंदाजा हुआ और आई हैड टू डिलीवर डेडलाइंस एंड आई हैड टू डील विद ऑफिस पॉलिटिक्स एंड मैं जाके बैंक की लाइनों में लगती थी और मैं बजटिंग करती थी,
सो नाउ आई हैव अ बेटर आइडिया कि घर कैसे चलाना है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन ऑल्सो एंड ऑल्सो आई हैव अ लॉट मोर अडेप्टेबिलिटी कि ठीक है बहुत शदीद दिल चाह रहा है कि कैनेडा में शदीद सर्दी पड़ रही है और हर कोई पाकिस्तान जा रहा है और आप पाकिस्तान जाएं मगर द फैक्ट इज कि हम इस साल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि चार लोगों की टिकट इतनी महंगी है एंड दिस इज जस्ट नॉट आवर ईयर सो टू बैड यू सक इट अप हर वक्त कंप्लेन करना या घर का माहौल खराब करना मियाँ को नाशुक्री करना अल्लाह मियाँ से नाशुक्री करना These things take a toll on the relationship और से घर का माहौल बनता है तो अब ये चीज जो है जैसे आप किसी लड़की को देखने गई क्योंकि हम ये बात करें कि आप लड़कियां देख के शादी करें लड़की में ये आपको अंदाजा नहीं होता दो चार दफा की मुलाकातों में जब आप किसी से मिलते रहते हैं बात करते रहते हैं उसके बारे में ज्यादा जानते हैं उसकी कि अब्बा कहाँ थे कहाँ पैदा हुए अम्मा कहाँ पैदा हुए पहले किस घर में रहती थी क्या स्कूल था क्या ऐसा घर बनाया क्या सीन था आपको अंदाजा होता है कि इस लड़की ने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते देखा है या माँ बाप जो थे उनकी जर्नी देखी है तो शी हैज अ बेटर सेंस कि हमारी लाइफ भी एक जर्नी होगी ये ऐसा नहीं है कि जो उसने डाइजेस्ट में पढ़ा नेटफ्लिक्स में कोई रोमांटिक सीरीज देखी बस इट जो मैं दुल्हन बन के बैठूंगी तो मैं तो प्रिंसेस बन गई और मेरी लाइफ बेड ऑफ रोजेस होगी ऐसा नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ये सदर ने जो बात की है ना कि आप दूसरे स्पाउस की उसको जो स्ट्रगल है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपने खुद पैसा कमाया हुआ होता है दूसरी बात ये कि आप ये हम उनकी बात करें कि नो इफ यू आर इन अ रोल टू हेल्प सपोर्ट योर ब्रदर और योर सन इन फाइंडिंग अ पार्टनर तो आप उनके लिए पार्टनर ढूंढे अपने लिए ना ढूंढे या ना ठीक है ना बिकॉज आप उनके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बहुत दफा जो सदत ने बात की व्हाई डू पीपल अप्रिशिएट क्या वो कोई छोटी सी प्यारी सी हो लड़की क्योंकि फिर आप अपनी दोस्तों में तस्वीरें दिखाएंगे है ये मेरी भाभी कितनी प्यारी है और ये है अपनी नीड्स को साइड पे कर दे ठीक है ना ये यहाँ आप अपने भाई के लिए एक पार्टनर चूज करने में आप यू नो हेल्प कर रही हैं मैं कल ही उनका इंटरव्यू पढ़ी थी एक सुन रही थी एक फवाद और फवाद खान और उसकी बीवी का तो बहुत दफा लोग कहते हैं दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं ओ फवाद खान की तो बीवी इतनी प्यारी नहीं है सदा फवाद बिकॉज यू नो दोनों की भी एज बिल्कुल एक जैसी है एंड दे न्यू ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ यू लिसन टू दैट इंटरव्यू फवाद खान खुद कहता है कि ही वॉज एबल टू परस्यू हिज पैशन बिकॉज हिज वाइफ सपोर्टेड हिम बाय बीइंग द प्राइमरी ब्रेड अर्नर पाकिस्तान में रॉक स्टार बनना या एक्टर बनना आसान काम नहीं है इसका मतलब है कि एक और पार्टनर था जो आपकी रोजी रोटी चला रहा था तो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर लाइक दैट हाउ लाइक कितनी एक आपके आप अपने भाई या बेटे को इतनी एक सपोर्ट दे रहे हैं कि यू नो अगर इफ ही हैज अ पार्टनर यू नो हु इज अ गर्ल हु इज एजुकेटेड जो यू नो हु हैज अ माइंड ऑफ हर ओन तो वो आपके भाई या बेटे के लिए एक सपोर्ट का सिस्टम बन रही है अब बजाय इसके कि आप उन फ्रिवलेस चीजों के ऊपर देख रहे हैं कि अच्छा उसकी शक्ल कैसी है और उसके माँ बाप के पास क्या रैंक है या है यू नो आप इन चीजों को देखिए कि वो आपके भाई के लिए कितना अच्छा पार्टनर बनेगी और तुम्हारी जो तुमने बात की उसमें बहुत से लोग एक्चुअली ये क्राइटेरिया देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लड़की की उम्र हम अपनी तस्वीरें दिखा के दोस्तों को बोलेंगे बोले हाय तुम्हारी भाभी कितनी प्यारी है मैनी टाइम्स लोग इस वजह से करते हैं कि ओ हमारा तो बहुत बड़ा खानदान है बड़ी दावतें होती हैं तो हमें तो कुंभा जो है उसको भुगताना होगा या हमारे यहाँ तो बड़ा रख रखाव है जो घर के काम भाई दावतें हमें हाथ बटाएंगी या ये कि लड़के की तो जो दो हैं तीन बहनें हैं तो कल को अपने शौहरों को दामादों को लेके आएंगी तो प्रोटोकॉल करना होगा तो भाई ये मेज भर के रखेगी या ये कि छोटी उम्र की लड़की है तो जो बहनें हैं उन वो ये होगा कि हमारे तो बहनें बहनों का भाइयों पे हक होता है तो ये इसको ये बात समझ आ जाएगी कि हमारा कंट्रोल है इस घर में जो क्योंकि यू आर फाइंडिंग अ पार्टनर अगर आप इसका उस देखें लड़की तो कोई भी हो सकती है ना आपकी लॉयल्टी अपने भाई के साथ लाई करती है आप अपने भाई के साथ रिश्ते की सच्चाई निभानी है तो इट्स नॉट अबाउट हू इट्स अबाउट देम इट्स अबाउट योर ब्रदर आपको पता होगा आपके भाई का शौक है कुछ को किसी को टीवी देखने का शौक होता है किसी को ट्रैवल का शौक होता है किसी को फोटोग्राफी का शौक होता है कुछ शदीद नर्डी होता है किसी को कंप्यूटर गेमिंग का शौक होता है आप तो लड़कियां हर काम करती हैं लड़कियां गेमिंग करती हैं लड़कियां स्टॉक्स करती हैं लड़कियां फोटोग्राफी करती हैं कि साइकिलें चलाती हैं कंपैटिबिलिटी मियां बीवी में होना बहुत जरूरी है क्योंकि और मुझे लगता है कि लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते यकीन करें अगर आपकी भाभी आपके भाई से सड़ी हुई होगी ना चाहे वो कितनी भी छोटी उम्र में है उसने आपके मियाँ के आगे कोई चार डिशें पका के नहीं रखनी चाहे अगर आपकी भाभी हाँ। बड़ी उम्र की भी होगी ना लेकिन वो अपने मियाँ के साथ खुश है क्योंकि उसके साथ कोई इंटरेस्ट शेयर करती है वो लोग कोई बैठते हैं तो 10 बातें और करते हैं सिर्फ ये नहीं कि आज तुम्हारी माँ ने ये क्या आज बच्चे ने यहाँ उल्टी कर दी आज स्कूल से ये आई लाइक दे आर ईच दे आर दे हैव समथिंग टू टॉक टू विद ईच अदर अदर देन ब्रिंगिंग अ थर्ड पर्सन इन जो लड़की उस शादी में खुश होगी ना वो अपने मियाँ से रिलेटेड हर रिश्ते के साथ जो है ना वो वफादारी करेगी सच्चाई करेगी सो डू नॉट थिंक ऑफ
अपना पार्टनर और यू डोंट नो, आप जो है ना आप प्रेजेंट के अंदर देख रहे हो तो यू डोंट नो वेयर देयर फ्यूचर विल टेक देम राइट. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट थिंग इज कि कहते हैं ना कि आप पार्टनर जो है अगर आई नो अ लॉट ऑफ पीपल विल डिसएग्री टू इट बट आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर दिस कि आप अपने लिए हस्बैंड देखिए ना तो आप सोचें कि मेरे बच्चों का ये बाप होगा. तो इसी तरह जब आप एक लड़की देखें तो आप सोचें कि ये आपके भाई के बच्चों की माँ होगी. तो यू नीड समवन जो समझदार हो, यू नो, जिसको अकल हो, जिसको शऊर हो, क्योंकि यू नो दिस इज द लाइफ दैट दे आर गोइंग टू टेक इट. आप सोच रहे हैं आप अपनी दावतों की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने इमिग्रेशन लेके बाहर चले जाना है तो उनकी जिंदगी और होगी, लाइक देयर लाइफ विल नॉट बी लाइक. एंड यू नो यू हैव टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल. आई फील लाइक मैं बहुत जगह देखती हूँ कि जो भी फैमिली का बंदा रिश्ता कराता है, चाहे वो बहन हो चाहे माँ हो, वो समझता है कि मैंने तो इनके ऊपर कोई एहसान किया है, अब ये सारी जिंदगी मुझे पे बैक करे. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप किसी पे तर्स खा के उसका रिश्ता ना करें. ये भी सदक मैंने देखा है कि लोग कहते हैं हे बेचारी है, इससे कर लो, तो छह बहने हैं, छोटी सबसे बहन है, दबके रहेगी. किसी पे तर्स खा के रिश्ता ना करें ये अज्यूम करके कि वो हमारे घर आके भी बेचारी होगी. नहीं, वो एक होल इंसान है जिसके फुल राइट्स हैं. शी हैज एवरी राइट टू कम टू योर हाउस एंड असर्ट हरसेल्फ बिकॉज वो उस घर में सबसे छोटी थी लेकिन वो यहाँ आई है तो इट्स हर होल लाइफ. तो किसी भी प्री कंसीव नोशन या तर्स खा के कि हाई ये तो इसको हम ले आएंगे ना तो उसको हम काबू कर लेंगे, इन अजम्पशन से ना करें. वो बंदा एक होल पर्सन है जो ब्लॉसम करेगा, जो वो करेगा, यू कैन जस्ट सी द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्सन. और उस पॉजिटिव अजम्पशन से उस बंदे को लेकर आए और उसके बाद स्टेप बैक कर जाए. लेट दैट पर्सन, ये नहीं कि वो सारी जिंदगी वो जो बंदा है वो आपके उस एहसान का जवाब देता है. हाँ, और तो बने देखो यार, लोग जो है वो कितना इवॉल्व होते हैं वक्त और हालात के साथ. जिंदगी आपको क्या क्या दिखाती है और क्या क्या सिखाती है, और आप ना सिर्फ आपके साथ बल्कि दूसरों के आपके खानदान में भी साथ जाए वो क्या क्या आप देखते हैं सोचते हैं. कितनी चीजें होती हैं जो आप अपने टीनेज ईयर्स में, ट्वेंटीज में आपको लगता है कि बस ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, और जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है आपको पता चलता है कि दुनिया में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, एवरीथिंग इज अ शेड ऑफ ग्रे. और कभी भी किसी सिचुएशन में कोई भी बंदा फुली तौर पे ना सही होता है ना गलत होता है. हर कोई पार्शली सही भी है, पार्शली गलत भी है, हर कोई पार्शली विक्टिम भी है और पार्शली जालिम भी है. तो देयर इज नो सच थिंग इज एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग. तो किसी आप लड़की से बात करें और आपको लगे कि अरे भाई इनके तो व्यूज बहुत रिजिड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो नाइविटी होती है. अगर आप मुझसे भी 20 साल की उम्र में बात करते, मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज थे, इतने स्ट्रॉन्ग रिलीजियस व्यूज थे, इतने स्ट्रॉन्ग पेरेंटल व्यूज थे, इतने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल व्यूज थे, एंड देन यू रियलाइज के ऐसा जो हम चाहते हैं जिंदगी में होता ही नहीं है. वे हैंस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू अडेप्ट राइट. तो आप इन चीज़ों पर मत सोचिए कि ओ हो ये तो सोचती है कि ऐसा ही होना चाहिए, ये तो सोचती है कि नहीं जॉइंट फैमिली बिल्कुल हराम है, ये तो सोचती है कि नहीं ड्रामे नहीं देखने चाहिए, ये तो बिल्कुल फैशन में लगी रहती है, इसको तो बस मेकअप की पड़ी रहती है. लोग बहुत बहुत चेंज होते हैं, बहुत इवॉल्व होते हैं, और लड़कियां स्पेशली देसी लड़कियां बेचारी तो जीती ही अपने शौहरों को खुश रखने के लिए. वो क्या माँ बाप के घर से बन के निकलती हैं और इन द एंड सिर्फ जो देसी लड़कियां होती हैं वो यही बात कह रही होती हैं हमारे मियाँ को ये नहीं पसंद, हमारे मियाँ को वो नहीं पसंद, वो ऐसा चाहते हैं वो ऐसा नहीं चाहते, उनको वो ये करने से खुश होंगे, वो ऐसा करने से खुश नहीं होंगे. तो जो बेचारी कोई एवरेज देसी लड़की है वो फुल कोशिश करती है कि वो अपने मियाँ को खुश रखें. तो इतनी ना रिजिड जजमेंटल ना हो कि आपने उससे बात की कि फला ड्रामे में आपने किसी चीज़ की ओपिनियन लेना चाहिए, आपने बोला अरे फला ड्रामा तुम देख रही हो उसकी स्टोरी में ये हो रहा है और उसने कोई ओपिनियन दे दी कि आए है सास कितनी बुरी है, आए है नन कितनी बुरी है, और आपको लगा कि बस ये तो मुझ पर ही रख के बात कर रही है. ऐसा नहीं होता, नहीं होता. और सदा मैं ये कहूंगी कि किसी की किस्मत के रास्ते में ना खड़े हो. होता ये कि मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि लोग जो है ना लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरा और जो जाफर का रिश्ता था वो जाफर की कजिन ने कराया. तो एकदम यू नो आई वाज टॉकिंग टू हर एंड आई वाज टेलिंग हर यू नो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर यू नो टू यू दैट यू इंट्रोड्यूस मी. एंड उससे बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा तमानिया आई वाज जस्ट यू नो एन एजेंट इन दिस, ये तुम लोगों की किस्मत थी. मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी. एंड यू नो दिस गोज ऑन टू कि आप एक तो किसी पे एहसान ना जताएं, दूसरी बात ये कि कई दफा हमारा एक रोल होता है गेट कीपर का. ठीक है कि हम गेट कीपर होते हैं किसी इंट्रोडक्शन में या करने में, किसी की किस्मत के रास्ते में ना खड़े हो, दुनिया पे खुदा ना बने. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको जो भाई है इससे इसकी बन सकती है तो सिर्फ इस बेसिस के ऊपर नहीं, वो हो उनका तो नेबरहुड अच्छा नहीं है, वो हो उसके तो अब्बा ऐसे हैं, अब्बा ऐसी अम्मा ऐसी बातें करती है, ये बात ना करें. विद एन ओपन माइंड लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं, अपने ईगो को साइड के ऊपर रखें. कई दफ़ा यू विल नोटिस कि आपको अल्लाह मियाँ एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप किसी जगह का यू नो किसी चीज़ का फैसला कर सके.
तो हमेशा ये सोचें कि जिसकी किस्मत में जो है ना वो होगा, आप उसको फ्लो करने दें। तो कई दफा लोग होते हैं कि किसी चीज को मना कर देते हैं कि भाई मुझे तो इनके खानदान की ये चीज नहीं पसंद या मुझे ये नहीं पसंद। जिस जो कंसर्न पार्टी है उसको सारे फैक्ट्स बताएं, यू नो, बी वेरी, बट लीव इट अप टू देयर इंटरप्रिटेशन। हाँ, और जमाने में मुझे लगता है कि देखो ज्यादातर ये जो किस्मत वाली बात तुमने की ना, तो इसकी रूट ये है कि ज्यादातर ससुराली झगड़ों में रिश्ते होते क्यों हैं, और मुझे वो ऐसा लगता है कि इस वजह से होते हैं कि सारी बात जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एडल्ट सिबलिंग राइवलरी। फॉर एग्जाम्पल, हर देवरानी जिठानी का मसला ये होता है कि जब तक आप वाहिद हैं, बहू हैं अपने खानदान की और जिठानी है, तो सारी अटेंशन आपको मिल रही है और आपके बच्चों को मिल रही है, वो वाहिद ग्रैंड चिल्ड्रन है। उसके बाद आपकी देवरानी है, अटेंशन शेयर हो गई, आपके दिल में रिजेंटमेंट हुई, राइट? या फिर आप एक नंद हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका भाई है या आपका बेटा है और आप उसकी जिंदगी में प्राइमरी अटेंशन होल्डर थी एज अ वुमन, जब वो ऑफिस से आता था, जब वो कहीं ट्रिप से आता था, जो भी। उसके बाद उसकी बीवी हो गई और आप रिजेंट करती हैं बिकॉज उसकी अटेंशन टाइम और रिसोर्सेज डिवाइड हो गई। तो दैट इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज एन एडजस्टमेंट पीरियड। द पॉइंट इज कि आप सिर्फ ये रियलाइज करें एज अ ग्रोन अप कि हाँ, इस आदमी के टेंशन और रिसोर्सेज और टाइम डिवाइड नहीं है। दैट डजंट मीन कि मैं छोटी हो गई हूँ, दैट ऑल्सो मीन्स कि इस आदमी का लाइफ में एक्सपीरियंसिस में सीवी बढ़ गया है, तो ही इज ऑल्सो लर्निंग टू बैलेंस। जब अपने दिल में जगह पैदा करते हैं ना, तो क्या होता है कि आप जो है ना वो खुश इखलाकी और आला जरफी का ना पहला कदम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि देखो, लोग ज्यादातर लड़कियां कहती हैं कि हमारे तो बरी में इतने बुरे जोड़े आए थे, अस्तगफिरुल्लाह, इतने चीप जोड़े, इतने बुरे रंग, सबसे सस्ते जोड़े, इन्होंने तो घर के पुराने सूखे से निकाल के पुराने जोड़े दे दिए। इस किस्म की लोग बातें करते हैं, राइट? या तो क्या होता है कि जब आपको सोना देना होता है या आपको जेवर देना होता है, शादी से पहले ही ये चीज शुरू हो जाती है कि आपको लगता है कि इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, अरे इसकी माँ अच्छा जेवर दे तो रही होगी, अरे इसकी माँ महंगा जोड़ा बना तो रही होगी, राइट? एंड देन इट सो गोज ऑन एंड ऑन कि वो लड़की आती है और फिर अटेंशन डिवाइड होती है और आपकी आपको लगता है मुझे कम अटेंशन मिली और दिल में रिजेंटमेंट होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन ट्यून विद योर ओन फीलिंग्स, क्योंकि होता क्या है कि यू वॉट यू रीप इज वॉट यू सो। जो खानदान डे वन से अपनी बहुओं को से लाइक हमेशा अच्छा गुमान करते हैं, एक्शंस को मिस इंटरप्रेट नहीं करते, एक्सट्रीमली रिएक्ट नहीं करते, छोटी बातों को दरगुजर रखते हैं, वो एक्चुअली रिलेशनशिप की बुनियाद बना रहे होते हैं। क्योंकि ऑफकोर्स जनरल रूल ये, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, बेवकूफ़ लड़कियां भी ज़रूरी होती हैं, मगर जनरल रूल ये कि जब कोई लड़की हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पाकिस्तानी खानदान में शादी करके आती है, वो बहुत ही हाई अलर्ट और कॉशियस होती है। शुरू के अपने सालों में वो सिर्फ उसको ये टेंशन होती है मुझसे कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये लोग बुरा ना मान जाए, ठीक है, हर चीज सही हो, और वो एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है, वो लोगों के मिजाज समझने की कोशिश कर रही होती है। तो आप जो है उसको भी थोड़ा लीवे दें, उसको एडजस्ट होने का टाइम दें, तो उससे क्या होता है कि आपके रिश्ते में बदगुमानी नहीं आती। आपसे कट फॉरवर्ड 30-40 साल बाद जब आप बूढ़ी होकर बिस्तर पर पड़ी होंगी, तो वो लड़की ये बात याद करेगी कि 30 साल पहले जब मैं शादी होकर आई थी, उस वक्त इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, या ये कि इन आपके रिश्ते की बुनियाद अच्छी पड़ गई होगी। जब आप डे वन से बदतमीजियां करते हैं ना ससुराल वाले, और ये बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि हमारी शादी के सुबह फजर के वक्त से दरवाजा खटखटाना शुरू हो गए, या फिर ये कि आप अम्मी के घर नहीं जाने दिया, या हमारे घर वाले आए तो मुंह बना के बैठे रहे, या हमने कोई शादी के बाद जोड़ा पहना तो फौरन ही कहना शुरू कर दिया कि कितना जोड़ा, बुरा जोड़ा है तुम्हारी अम्मी ने दिया है, एंड सो ऑन। एंड देन ये चीजें जो है बढ़ती जाती हैं कि आप पेरेंटिंग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप इस बात पे आपको मसला है कि अपनी अम्मी के घर क्यों जा रही हो, इस बात आपको मसला है कि तुम्हारी अम्मी के घर से बकरीद पे गोश्त क्यों नहीं आया। इन ये सारी बातें ना, इन बातों का ना ऐसा नहीं होता, कोई भी भूलता नहीं है जब आप किसी की फीलिंग्स हर्ट करते हैं। बैंक जैसे बैंक में अकाउंट होते हैं ना, दिल में हर बंदे का अकाउंट होता है, उसमें वो बातें डिपॉजिट होती रहती हैं। उसके बाद 30 साल बाद जब आप बूढ़े होकर बिस्तर पर पड़ेंगी, तो आप ये सोचेंगे कि आपने इस लड़की के आपके साथ इस लड़की के साथ जो आपका अकाउंट है उसमें आपने क्या डिपॉजिट किया था। जो आप बैंक में रखवाते हैं वही आपको वापस मिलता है। बिल्कुल, ये इतनी इम्पॉर्टेंट बातें हैं ना, और कई दफ़ा लॉट ऑफ टाइम सदफ ये चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और ये रिलेशनशिप्स को रुइन कर देती हैं। बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू रियलाइज के आप अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, यू नो, इफ यू स्टेप बैक, अपने भाई या बेटे की खुशी चाहते हैं, और उसकी खुशी उसके इंडिपेंडेंट होने में है, उसकी खुशी आपसे चिपक के रहने में नहीं है। बिकॉज एवरीवन, दिस इज अ सर्कल ऑफ लाइफ, हर एक ने अपनी जिंदगी आगे लेके चलना है। ये एक्चुअली आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपका भाई या आपका बेटा एक सक्सेसफुल फैमिली लाइफ चला रहा है।
लोग इसको अपोजिट समझते हैं कि ओ अगर मेरा बेटा हर वक्त से मेरे चिपक के नहीं बैठा हुआ तो वो तो मेरी बड़ी अनसक्सेसफुल अपब्रिंगिंग है. नो कंग्रेट्स, यू नो यू रेज्ड अ सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पर्सन, यू नो विद रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज, और जो लोग फैमिलीज लविंगली रहती हैं. और ये छोटी छोटी बातें बड़ी बातें बन जाती हैं, जो कि रिजेंटमेंट सदफ ने बातें की और आप ये क्यों कर रहे होते हो. यू आर आइदर सेटिस्फाइंग योर ओन ईगो या आप उन लोगों का ख्याल कर रहे होते हैं जो लोग क्या कहेंगे, जिनका आपके बेटे या बेटी की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है. क्योंकि इवेंचुअली अगर अल्लाह ना करे आपके भाई की या आपके बेटे की एक अनसैटिस्फाइड तो प्रॉब्ली इज अ रॉन्ग वर्ड बट मे बी एक अनहैप्पी फैमिली लाइफ, तो वो ही उदास, उस ही को फर्क पड़ेगा और उससे आप उदास होंगे. तो आपको ये देखना है कि उसकी खुशी इनकी खुशी के अंदर है. तो ये बात जब आप रियलाइज कर लेंगे ना कि आप जितना उनके उसको कपल को उनकी बॉन्डिंग को सपोर्ट करेंगे, इन टर्न दे विल बी हैप्पी एंड देन दैट हैप्पीनेस विल कम, यू नो, सबके साथ फ्लो करेगी. तो ये एक जो थोड़ी सी ना लेट गोइंग वाला जो प्रोसेस होता है, वो जितना आप ग्रास करने की कोशिश करेंगे ना, वो लोग उतना आपसे दूर भागेंगे. ये एक बेसिक अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं. बिल्कुल. हाँ, तो बेसिकली बाल लंबे हैं, छोटे हैं, रंग काला है नहीं, चश्मा पहनती नहीं पहनती, मोटी है, काली है, गरीब है, किराए के घर में रहते हैं, उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आप ये बात देखें कि लड़की की एज क्या है, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की दुनियादार है. ठीक है, अगर आप उसको आपके घर में आके रहेगी ना, तो आपके घर में कोई चीज लीक हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर आया है तो वो उसे डील कर सकती है. कोई बेवकूफ बना रहा है, हिसाब में कच्चा है, पैसा लूटने की कोशिश कर रहा है, दरवाजे पे बदतमीजी कर रहा है, क्या वो पब्लिक डीलिंग जानती है, क्या वो सिचुएशन हैंडल कर लेगी, आपको ही फायदा होगा. क्या वो इतनी इतनी समझदार है कि उसे जो है वो दो डॉक्टरों के बीच में, मतलब उसको इतनी दुनियादार है, उसको इतनी समझ है कि वो दो डॉक्टरों के बीच में फैसला कर पाए, दो पीडियाट्रिशियन के बीच में फैसला कर पाए, दो स्कूल्स में जाके असेस करके फैसला कर पाए कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है. और फिर ये बात समझे कि क्या उसमें अकल वाली है. ये ठीक है, उर्दू बोलना जानती है, अंग्रेजी बोलना नहीं चाहती, लैंग्वेज सीख जाएगा आदमी, सिखा दें आप उसको शादी कर, उर्दू मीडियम लड़की से शादी करें, उसको अंग्रेजी सिखा दें. मगर ये बात याद रखें, ये देखें कि कल को कोई भी बात होगी, आप ही के अपने भाई का रिश्ता लेने जा रही हैं, आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, क्या वो गाड़ी चला के आपके, आप तो बोलेंगे कि चलो भाई करे, गाड़ी चला के अगर माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जा सकती है, उनकी दवा दारू कर सकती है, उनकी खिदमतें कर सकती है, उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकती है, उसका EQ इतना है, ये सब पढ़े लिखे दुनियादार लोगों में होता है. खुदा ना खास्ता जब लोगों के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी, किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, क्या वो एक गुड माँ साबित हो सकती है, क्या वो दुनियादार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और दीनदार बच्चों की तरबियत कर सकती है, क्या वो बच्चे को स्पीच थेरेपी, क्या वो अंडरस्टैंड कर सकती है कि इस वक्त जो मेरा बच्चा है उसका स्पीच डिले है, उसका बिहेवियरल प्रॉब्लम है, उसके फोकस में मसला है, या इसको कोई, या इसकी टंग टाई है. बेसिकली वो अकल वाली है, तो वो आपके ही खानदान की जनरेशन को हेल्प कर सकती है, अपने बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए ले जा सकती है. कैन शी गो एंड स्टैंड अप एंड फाइट इन अ स्कूल कि नहीं मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है, या आपका मियां के बोले चलो भाई ऑयल प्राइसेस गिर गई, नौकरी खत्म हो गई, ठीक है अब जाओ तुम लग जाओ टिम हॉर्टन्स पे, मैं लग जाता हूँ मैकडॉनल्ड्स पे, तो लड़की बोले भाई दैट्स इट, मेरे अम्मा बाबा ने तो बोला नहीं था, वो तो बच्चे लेके जाके बाप के घर बैठ गए, भाई का खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, दुनिया का कुछ नहीं. या भाई बोले कि चलो भाई आपका भाई, आपको भाई क्या, हमारी तो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन हो गई है, तो यहाँ तो घर बनाना जरूरी है, तुम बच्चों को स्कूल भेज के काम पे लगो. तो जो आपका भाई उससे चाहता है क्या वो कर सकती है, अपने भाई का सोचें रिश्ता करते वक्त. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आपकी सास आई और आपके मियाँ आए तो उसने जो दाल चावल बना के रखे थे या उसने 100 dishes बना के रखी थी, क्योंकि इवेंचुअली इन द एंड इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. मिलना जुलना इतना होता है, बंदा 100 times किसी को खाना खिलाता है, 100 times किसी के घर जाता है, राइट? ये हिसाब रख, और इन रिश्तों में तो क्या ही हिसाब रखना, भाई बहनों में किसने हमें क्या खिलाया, किसने क्या हमें तोहफा दिया, किसने क्या किया. द पॉइंट इज कि जो इस किस्म की चीजें होती है ना जिसमें दुनियादारी हो, वो टोटली लोग फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर देते हैं उन लड़कियों को, कि लड़की तो बहुत तेज है, लड़की तो हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी, नहीं लड़की तो पॉलिटिक्स में बात कर रही थी, या नहीं वो बहुत ही ओपिनिएटेड थी, उसकी अपनी ओपिनियन थी इस बारे में, हाँ ये लड़की तो हमारे घर में नहीं चलेगी, ये तो जरूरी लड़ाई डालेगी. दैट्स नॉट ट्रू, लड़ाई आप डालेंगी, क्योंकि अगर वो लड़की ओपिनिएटेड है तो फिर आप भी तो ओपिनिएटेड है इस बारे में कि वो ओपिनिएटेड है, राइट? आप भी तो स्टेप बैक नहीं कर रहे,
द पॉइंट इज कि ये सोचें कि इन दुनिया बहुत बदल गई है, दुनिया इतनी बदल गई है, अब हर मर्द का अपनी बीवी से रिक्वायरमेंट है कि गाड़ी चलाओ, के जाके फार्मेसी से प्रिस्क्रिप्शन भरवा के लेके आओ, बच्चे के स्कूल में ये बात करो, फला लोग जो है ऑफिस वाले इतने लोग आ रहे हैं उनकी दावत करो, या ये बंदा जो है इससे फला काम निकलवाना है तो इनसे मिलके चलो, इनके घर तोहफा लेके चलो। और इसका ये मतलब नहीं कि वो मर्द बुरे शौहर हैं, कि आपका भाई बुरा शौहर होगा, इट्स जस्ट दैट दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। बहुत जरूरी है कि आप अपने भाई के ऐसी लड़कियां लाके आए जो उसको हर प्रॉब्लम में बोले ओके व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस, ना ये कि सर लपेट के पड़ जाए कि लो भाई द एंड हो गया हमारा तो। और इसके लिए अगर आप उसका थोड़ा सा फ्यूचर देखना चाहते हैं लड़की का, तो जरूर उसकी माँ को देखें कि उसकी माँ ने अपनी जिंदगी की जो ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस है उनको कैसे मैनेज किया, बिकॉज दैट्स यूजुअली अ गुड इंडिकेटर, बिकॉज लड़की की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत उसकी माँ से सिमिलर होती है नो उसकी, तो दैट इज समथिंग दैट यू नो यू कैन ऑब्जर्व, दैट इज जस्ट अ बिल्कुल दिक्कत से। मैं कहती हूं लड़की की भाभी से बात करें, लड़की की भाभी अगर सड़ी हुई है ना तो इसका मतलब घर में पॉलिटिक्स है ही है। अब अगर कुछ भी बुरा हो जाता ये हमजा के कैरेक्टर के साथ, ये जो फरहान का कैरेक्टर था, हाला क्या करती, हाला इज यूजलेस, हाला इज अ लायबिलिटी, नोबडी वांट्स अ बहू और भाभी लाइक हाला, नो संगे मरमर के मुजस्मे के वो सिर्फ पोर्सिलिन की डॉल, वो सिर्फ इसलिए प्यारी लग रही है जस्ट टू लुक एट, बट यू नो लाइफ इज मच मच मोर देन दैट। ये मुझे याद आ रहा था एक मेरा रिश्ता था, वो लोग हमारे घर आए थे, तो मेरे तो मीपू हमेशा कहते थे कि जो भी रिश्ता आता था यू नो कि यू कम सिट इन द ड्रॉइंग रूम हैव एन इक्वल कॉन्वर्सेशन जो भी लड़के के साथ, तो वो इट डिडंट प्रोग्रेस बिकॉज अपेरेंटली लड़के वालों की तरफ से फीडबैक ये थी कि लड़की ने लड़के के साथ बैठ के बात की थी, तो मेरे तो अब्बू ने कहा बहुत अच्छा हुआ ये रिश्ता आगे नहीं हुआ, बिकॉज यार अगर एक आप देखें एक लड़की ने लंप से एमबीए किया हुआ है, वो ऑफिस में नौकरी करती है, वो बाहर ट्रैवल अकेले करती है, तो वो शर्मा के तो नहीं बैठेगी ड्राइंग रूम में, वो आपके लड़के से उसी तरीके से बात करेगी। तो मेरे तो अब्बू ने मेरी अम्मी को कहा कि ये तो, मेरी अम्मी को थोड़ा अफसोस हुआ कि अच्छा ये आगे नहीं आया, तो मेरे अब्बू ने तो कहा ये बहुत अच्छा हुआ, ये तो पहले ही फिल्टर हो गए, अगर इनको ये बात बुरी लग रही थी कि हमारी बेटी बैठ के बात कर रही थी तो यू नो भाई क्या सोच कर आए थे। अगर तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ये बड़े अच्छे फिल्टर्स होते हैं जो कि एक अरेंज मैरिज सिस्टम के अंदर आते हैं, बट यू हैव टू यूज दिस सिस्टम टू योर एडवांटेज, बिकॉज ये सिस्टम अभी भी प्रेविलेंट है, ये चलता है, मुझे लगता है रहे जमाने तक जारी रहेगा, चाहे आपके फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, चाहे आपके अम्मी अब्बू आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो यू नो ये सिस्टम रहेगा। एंड सदफ, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग या हम इसको रैप अप करें? हाँ, मैं सभी कहना चाहती हूँ कि बेवकूफ़ी की बातें ना करें इन द एंड। बिल्कुल मुझे याद है कि जिस दिन मेरी शादी थी ना, उस दिन कराची में कभी बारिश नहीं होती, बट इट्स ट्रू कि मैंने बहुत मिलियन हांडियाँ चटी हुई हैं, तो उस दिन जो है ना बहुत बारिश हुई थी, तो जब मैं दुल्हन बन के हॉल में एंटर हुई तो मुझसे कहा गया कि चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, बारात आ गई बारात आ गई, तो मैंने एक्चुअली अपने स्टेज की और हॉल की कोई डेकोरेशन नहीं देखी हुई थी, तो जब बारात आ गई और उसके बाद दुल्हन की एंट्री होती है तो मैं स्टेज पे जाके मैं खड़ी हुई, तो आई वांटेड टू सी के हॉल कैसा लग रहा है, तो मैं स्ट्रेट देख रही थी, मैं नीचे नहीं देखी उसके बाद, ठीक है, तो मुझे इतना बाद में फ्लैग मिला अपनी जो मेरी शादी की वीडियो आई सीडी में कि तुम स्ट्रेट कैसे देख रही थी कैमरे में, तुमने देख के कैसे तस्वीर खिंचाई, तुम नीचे क्यों नहीं देख रही थी। और मेरी बहन, हर किसी ने मुझसे जब ये बात की तो मेरी बहन बेचारी ने मेरी साइड लेने के लिए कहा कि नहीं नहीं मतलब थोड़ा आई मेकअप पता चल रहा है साइड से, इट्स ओके तुम ऊपर देख लो, बट आई वाज सो शॉक्ड कि एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी कि दुल्हन को नीचे देखना चाहिए, लाइक स्टेज पे खड़े होकर ऊपर मत देखो, डोंट लुक स्ट्रेट इन द कैमरा, तो यू नो व्हाट, ये किस लेवल की बातें हैं, इस किस्म की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता इन द एक्चुअल जर्नी ऑफ लाइफ, कि दुल्हन ने आपका दिया हुआ जोड़ा पहनने से मना कर दिया, या उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ली, या वो नीचे देख रही थी या वो ऊपर देख रही थी, इन सब बातों को जाने दें। इन सब सदर इस पे तो हम वेडिंग डिजास्टर्स पे तो पूरी एक बात कर सकते हैं। आई वाज चैटिंग विद समवन, यू नो, एंड शी वाज होल्डिंग अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट फ्रॉम हर वेडिंग डे, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, यू नो, दिस इज लाइक आफ्टर 15 इयर्स ऑफ हर मैरिज एंड इट वाज स्टिल अफेक्टिंग हर, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, इट्स लाइक यू नीड टू लेट इट गो,
वेडिंग डिजास्टर्स हैव नथिंग टू डू विद द सक्सेस ऑफ अ मैरिज. हर शादी में डिजास्टर्स होते हैं और इसके ऊपर तो मैं और सदा पूरे पूरे जो है ना पीएचडी कर सकते हैं. आई फील लाइक सदा वी शुड डू अ होल वीडियो ऑन दिस कि आपकी शादी के अंदर जो क्या डिजास्टर्स होते हैं. आई फील लाइक दैट माइट गिव पीपल अ लॉट ऑफ इनसाइट कि मे बी लाइक आपको लगता है कि भाई इस बंदे की शादी परफेक्ट हुई है, बट पीछे हर एक की शादी में डिजास्टर्स होते हैं. एंड वेडिंग एंड मैरिज उसको हवा में छोड़ दे, पकड़े रेकग्नाइज करें एंड देन हवा में छोड़ दे. तो आई फील लाइक इसके ऊपर तो हमें पूरी एक वीडियो करनी चाहिए वेडिंग डिजास्टर्स के ऊपर. मैं अच्छा तुम्हारी एक पूरी वीडियो तो मेरी शादी पे बननी चाहिए. मुझे पता था कि मैं अभी थोड़ी जा रही हूँ, अभी तो मेरे जाने में बहुत देर है. तो फिर मैं अपनी बारात पे इतना रोई इतना रोई के बाद मुझे अम्मी ने कहा हे तुम रोई ना, अच्छा मैंने कहा चलो वो कॉम्पेंसेट हो गया, इन लोगों को तसल्ली हो गई कि लड़की रो गई. ये क्या बातें हैं यार, ये एब्सोल्युटली क्या बातें हैं, इनका कोई असर नहीं होना चाहिए. बट चलो नो सदा थैंक यू सो मच. एंड एज यूजुअल हमारी जब गपशप चलती है यू नो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रैप इट अप, बट आई होप दिस आंसर्स क्वेश्चंस लोगों के ऑफ व्हाट टू लुक फॉर इफ यू आर फ्रॉम द बॉय साइड. ये मैं बहुत खवातीन ने कहा कि भाई हम अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे हैं या हम अपने भाई के लिए ढूंढ रहे हैं, आप इसके ऊपर वीडियो करें एंड डू लेट अस नो. आई थिंक सदा आई रियली वांट टू डू अ वेडिंग डिजास्टर वन. और यू नो सो आप बताइए हमें, वी ऑलवेज डू आवर वीडियोस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट यू गाइस सजेस्ट. यू नो रियली वैल्यू योर फीडबैक, be it you know in DMs, but you know if you subscribe to our channel we really appreciate that and you know isko logon ke sath share kare. So thank you so much Sada for your time. Main ja kar apne khandan ko khana khilati hu. Lafiz, take care. Lafiz.